देखिए पाकिस्तान ने मुकाबला बहुत अच्छा किया, 200 पे आराम से ये मैच ऑस्ट्रेलिया की पॉकेट में होना चाहिए था, मगर ऐसा उन्होंने होने नहीं दिया। रन्स कम किए, 3 ओवर्स पहले ही ऑल आउट हो गए, सो कहीं अगर 3 ओवर्स बाकी के भी खेल लेते 15-20 रन्स की कहानी थी, डिफरेंस ऐसे ही लग रहा था। क्योंकि विकेटें मिली पाकिस्तान के पेसर्स ने, शानदार जानदार बॉलिंग की। और क्या पाकिस्तान की टीम तैयारी करके गई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्या मतलब कि ये खेलना भूल चुके हुए हैं। टेस्ट के अंदर ये लोग अलग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, T20 के अंदर अलग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। साफ दिख रहा था कि पाकिस्तानी टीम को ओडीआई खेलना भूल चुका हुआ है। सनसनीखेज आगाज, ऑस्ट्रेलिया ने एक जबरदस्त मुकाबले के बाद मैच दो विकेटों से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़ोतरी हासिल कर ली। एक ऐसा मैच जो कि लो स्कोरिंग थ्रिलर साबित हुआ, जिसमें पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 203 रन पर आउट हो गई और एक मौके पर लग रहा था ऑस्ट्रेलिया मैच बासानी जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी शानदार फाइटिंग स्पिरिट दिखाई। 55 रन थे आखिरी 4 विकेटें थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस, जिनकी अब ये हैबिट बन गई है कि वो बॉलिंग के साथ साथ बहुत अहम मौके पर बैटिंग से भी ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाते हैं। आपको याद होगा जब ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार 200 रन किए अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप में भी, तब भी पैट कमिंस ही उनके साथ जो है वो मौजूद थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इसके अलावा भी बेतहाशा मौके पर उन्होंने छोटी लेकिन बड़ी कारामत और मैच विनिंग इनिंग खेलकर जो है ऑस्ट्रेलिया को फतूहत दिलाई हैं। इस मैच पाकिस्तान 2 विकेटों से ये मैच हारा, लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान हार के भी जीता। क्यों? जो टेस्ट मैच हम 2-1 इंडिया से जीते हैं, आपने देखा उसका साइड इफेक्ट पाकिस्तान वाइट बॉल की टीम में भी आया और बिल्कुल चेंज लगी थी। हालांकि 203 रन 50 ओवर में कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। टॉस कमिंस ने जीत के पहले बॉलिंग करी, थोड़ा सा शुरू में पिच जो था वो थोड़ा मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात कि बाबर आजम आज अपनी बढ़िया फॉर्म में दोबारा नज़र आया, द वे ऑफ प्लेइंग जो था उसका टॉप क्लास था। अनफॉर्चुनेटली जंपा की बॉल पे वो आगे वाला बॉल था, थोड़ा सा पीछे खेल गया और बोल्ड हुआ, लेकिन होता है। अच्छा साइन यह है कि उसके जो पाँव की मूवमेंट थी और जिस तरह वो रन का हंगरी था, वो चीज़ नज़र आई जो वो लैक कर रहा था, चाहे वो टेस्ट मैचेज हों, चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे वर्ल्ड कप हो जो इंडिया में हो। आज बहुत सालों बाद लगा कि बाबर आजम ने टॉप क्लास बैटिंग करी, लेकिन हमारी आवाम ये 37 रन नहीं मांगती, वो मांगती है 137 रन बाबर से। इसी तरह बराबर वाले मुल्क में 70 रन नहीं मानती वो विराट कोहली की, वो मानती 170 रन। तो ये फ़र्क है बड़े प्लेयर का कि वो रन 50 करे तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन बाबर के लिए 37 रन बहुत अच्छे आइंदा आने वाले 2 मैचेस जो 50 ओवर के हैं और T20 के। आ जाता हूँ जी, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने 10 ओवर में 35 रन बनाए जिसमें 2 आउट हुए थे, ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में 61 रन बनाए, उनके भी 2 आउट हुए थे, उनके 5। पॉजिटिव एस्पेक्ट था वो ये था कि पाकिस्तान ने मैच को लड़के खेला है। पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि ये मैच जीत सकता था, पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। एट वन टाइम जब 49 रन चाहिए थे और 3 विकेटें हाथ में थी, तो पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, इनको गेम क्लोज करनी चाहिए थी। फिर उसके साथ आई थिंक रिजवान ने खासी अच्छी कप्तानी की, रिजवान ने अटैकिंग पोजीशंस रखी, कैचिंग पोजीशंस रखी, रिजवान ने कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाई किया बैटर्स के ऊपर। और क्योंकि एक टाइम था जब स्मिथ और इंग्लिश जो हैं वो बड़ा इजी खेल रहे थे और लग नहीं रहा था कि उनको कोई भी मसला होगा मैच जीतने में, लेकिन जैसे ही स्मिथ आउट हुए उसके बाद इंग्लिश को अचानक कुछ हुआ कि उसने बहुत खुला खेलना शुरू किया, एक हिट मारी फिर दूसरी मारी, वो जो छक्का भी उनका हुआ वो कैच भी हो सकता था, थोड़ा सा भी 19-20 होता जिसको न्याजी ने रोकने की कोशिश की थी, और फिर हमने देखा न्याजी इरफान न्याजी ने बहुत अच्छा कैच लिया उनका। तो आई थिंक के मोमेंट्स ऐसे जरूर थे, लेकिन जब 50 रन चाहिए थे और टेल एंड 40 के करीब पहुंच जाता, होना तो 250 चाहिए था मिनिमम, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पहली बार आके यहाँ पे ये लड़के खेले हैं डायरेक्ट आके इस तरह की कंडीशंस में खेलना। हालांकि पिच में वो इतना भी तूफान नहीं था, था कहीं कहीं पे पिच जो बॉल है वो होल्ड कर रही थी, कहीं कहीं पे वो मसला बन रहा था शुरू में, खास तौर पे जो 2 विकेटें गिरी उनके ओपनर्स में वहाँ पे बॉल होल्ड कर रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मसला होता। 225 से 250 के दरमियान सिंपली स्पीकिंग पाकिस्तान को जाना चाहिए था और पाकिस्तान को ये करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ना कर पाया।
और यूं पाकिस्तान एक ऐसा मैच कि जिसके करीब करीब पाकिस्तान ऑलमोस्ट पहुंच गया था, सिर्फ दो विकटें पाकिस्तान को चाहिए थी, वो दो विकटें पाकिस्तान हासिल ना कर पाया। लेकिन एक बात है, मजा आया मैच का, और मेलबर्न में पाकिस्तान का जो क्राउड अपनी टीम को बैक करने आया था उन्होंने जबरदस्त वहां पे शो दिखाया है। पाकिस्तान को पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने जबरदस्त वहां पर बैकअप किया है और सपोर्ट किया है। 25,000 के करीब वहां पर क्राउड मौजूद था, हालांकि स्टेडियम तो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी एक साइजेबल क्राउड वहां पर मौजूद था। एंड मैक्सिमम वर्क फ्रॉम पाकिस्तान और पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियन वहां पे थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ऑलमोस्ट ये करीब करीब मामला पहुंच गया था। सो पाकिस्तानी बॉलर्स हैड मेड अ मैच ऑफ इट। खास तौर पे हारिस रऊफ को क्रेडिट जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे, शुरू के दो ओवर्स में 19 खा गए लेकिन बाद में जिस तरह से वो करते हैं कि रन बेशक देते हैं लेकिन वो विकेट्स भी लेके देते हैं। 5 गेंदों पर 3 विकेटें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर के इस मैच में बिग टाइम पाकिस्तान को इन कर दिया और यूं पाकिस्तान इस मैच में वापस आया, लेकिन इतना वापस नहीं आ सका कि पाकिस्तान इस मैच को जीत पाता। जीत की प्यास अभी भी बाकी है। पाकिस्तान यहां पर ऑस्ट्रेलिया में 2001 में लास्ट टाइम सीरीज जीता था, बहुत करीब करीब हम पहुंच गए थे पहला मैच जीतकर इस सीरीज के अंदर वन अप होने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं हो सके। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की टीम को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ये हम चाहते हैं पाकिस्तान की टीम से, हम फाइट चाहते हैं, वो हमें नजर आई है, नॉट फ्रॉम एवरीवन, सभी से नहीं लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने थे माना कि आपके फास्ट बॉलर प्रीमियम बॉलर्स कह रहे थे लेकिन सेकंड स्पेल में वो उतनी जान में नहीं लग रहे थे, सेकंड स्पेल में देवर नॉट द सेम स्पीड। तो वहां पर ऑल्दो के ये एक डिबेट है कि वो, मेरे ख्याल में तो मैंने मैच से पहले कहा था पिछले शो में कि हमें एक रिस्ट स्पिनर के साथ खेलना चाहिए, फैसल अकरम को ये मैच खिलाना चाहिए था। जब साथ भेज दिया ना तो फिर ये मत सोचे कि ये बच्चा है ये बड़ा है, आपने पाकिस्तान टीम के साथ भेजा हुआ है। व्हेन ही इज एलिजिबल टू ट्रेवल विद द टीम एज अ प्लेयर तो फिर बच्चा बुच्चा कोई नहीं है, फिर आप मैच खिलाओ यार, बड़ी बाउंड्री है, इतना आसान नहीं से, वो अच्छा बॉलर है, मार नहीं खाएगा, आप उसमें ट्रस्ट करें। उसका वो ब्रेक भी होता है, उसकी गुगली इतनी अच्छी है, तो ये टेल एंडर्स को तो आउट करने में ये चीजों से खासी मदद मिल सकती है। और आज भी मेरा ख्याल है जो एक चीज है कि चांस लेना पड़ता है ना, रिस्क आपको थोड़ा सा लेना पड़ता है, क्योंकि सैम अय्यूब ये मिस्ट्री बॉलिंग करते हैं तो टेल एंडर्स मिस्ट्री बॉलिंग के खिलाफ इतने अच्छे नहीं होते, स्पेशली जब स्टार्क और कमिंस खेल रहे थे, ऑल्दो के कमिंस बड़ा अच्छा प्लेयर है लेकिन आप सैम को तो नहीं खेला हुआ, आप उसको एक आध ओवर करा के देख सकते थे भाई, फास्ट बॉलरों को भी तो 9-9, 10-10, 11-11 हुआ ना आखिर में, 2-3 दफा हुआ है, 9-10, 9-10 हुआ है, तो बड़ी बाउंड्री है, कोई 4 छक्के नहीं लग जाने थे उसको स्पिनर को। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा चांस था जो शायद लेना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मी लेना चाहिए था। और आई थिंक कि पाकिस्तान टीम में दो चेंजेस होने चाहिए, पाकिस्तान टीम में एक रिस्ट स्पिनर आना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ वन ऑफ द बैटर्स। मेरा नहीं ख्याल कि आपको 7 बैट्समैनों की 8 बैट्समैनों की जरूरत है, मैं अभी बताता हूँ कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात यह कि ये चारों फास्ट बॉलर ना ये सिर्फ बॉलर हैं, शाहीन और नसीम थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं बाकी नहीं है वो हिसाब, तो उन दोनों में से एक को कम करके मेरा ख्याल है तो आपको आमिर जमाल को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो भी इतने ही तेज हैं या इनसे शायद वो तेज ही बॉलिंग करें, हमने उसको देखा था टेस्ट मैच में अक्सर 140 पे बॉल करते तो वो तो पूरा पूरा दिन बॉलिंग थी, ये तो जब उसे पता है कि दो स्पेल है तो वो फिर पूरी जान मारेगा, और वो भी इनकी तरह स्प्रे राउंड भी करता है लेकिन विकेट टेकिंग बॉल वो भी करता है और साथ बैटिंग भी करता है, तो आपको वो दोनों एस्पेक्ट्स उससे मिलेंगे, और वो इनसे फील्डर, दो तीनों से फील्डर अच्छा है वो, इनसे तेज एथलीट अच्छा है इनसे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक तो उसको यूज करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि फैसल अकरम को जरूर मैच खिलाने चाहिए, आप रिस्ट स्पिनर जरूरी है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, बाउंड्रीज बड़ी होती हैं और रिस्ट स्पिनर का बाउंस के साथ टर्न मिलता है, दुनिया में हर जगह इनको टर्न मिलता है, जैम्पा जिसका टर्न नहीं होता उसने पाकिस्तान, उसने आगे बाबर आउट किया, 5 ओवर में 36 रन थे, लेकिन जो रिजवान ने 44 करे और 71 बॉल पे, लेकिन उससे क्या मिस्टेक हुई कि कैप्टन जो कमिंस है ना जिसको मैं कहता हूँ कि वो बड़ा शार्प कप्तान है, बन गया है, वो लाया लबो सिंह को, उसने एक चौका मारा, उसने बाई करीब विकेट अपना विकेट, और उस ट्रैप में रिजवान आ गया, हमारे दोनों ओपनर्स साइम और अब्दुल्ला जल्दी आउट हुए। इन्हें यह सोचना चाहिए, इनकी काउंसलिंग इस तरह करनी चाहिए कि भाई कोई और ओपनर है ही नहीं,
आप ही ने खेलना है, आप तो जिम्बाब्वे टूर तक है ना, तो अब इनका दिल जो इतना है ना, इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि हम में अपना जो स्किल है, जो सिलेक्टर्स ने हम पे एतमाद करा है, अब हम अपना गेम दिखाएं, जो पीछे हुआ उसको भूल जाए, ये अप्रोच होनी चाहिए। अपना गुलाम कामरान गुलाम जल्दी आउट हुआ, बड़ा अच्छा ट्रैप करा बाउंसर पे कमिज ने, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन बाबर और रिजवान इन में से एक प्लेयर या अब्दुल्ला शफीक को भी आप बीच में डाल सकते हैं, लेफ्ट करते हुए वो आउट हुआ, कि उसको 50 ओवर खेलना है, ये वो पिचेस नहीं है एशियन के लिए। एशियन जुमला क्या कह रहा हूँ कि 300 बॉलों में 400 रन पे जाए, नहीं, जब टॉस जीत के कमिज ने आपको बैटिंग कराई है तो इसका मतलब समथिंग, मतलब जान है पिच में, बॉलर्स के लिए हेल्पफुल है, तो ये माइंड बनाना चाहिए। और जो सेट हो जाए वो एक बंदा तो पूरा लंबा खेले, जैसे 92 में आपको याद है इमरान भाई वन नंबर 3 जाते थे या जावेद भाई होते थे, वो लंबा ले जाते थे मैच, तो वो अप्रोच रखनी चाहिए थी। लेकिन 203 के टारगेट को इस तरह चेस करना ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, जिस वे में कप्तानी करी उस पर भी बात करते हैं अभी। नियाजी ने जी 22 करे मैच में तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान की फाइटिंग स्पिरिट जरूर अच्छी दिखाई दी। मोहम्मद रिजवान का बतौर कप्तान ये पहला मैच था, गिलिस्पी का बतौर वनडे हेड कोच ये पहला मैच था, शाहीन नसीम बाबर का रिटर्न हुआ जब उनको आराम कराया गया, तो बहुत कुछ है इस मैच में बात करने के लिए। पॉजिटिव भी हैं, कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव भी होंगे, लेकिन चूंकि अच्छा मैच हुआ, दो विकेटों से पाकिस्तान ये मैच हारा, तो अच्छी ही फाइट इसको कहा जाएगा। लेकिन अगले मैचेस में क्या करना है, नसीम शाह को इंजरी हुई है आज, उस इंजरी की भी अपडेट आपको बताएंगे। तो ज़बरदस्त मैच आई थिंक, और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो, ग्राउंड बड़े शानदार हैं, टीम उनकी बड़ी शानदार है, लेकिन अच्छा लगा पाकिस्तान ने फाइट बैक की। लेकिन बहुत अरसा हुआ पाकिस्तान ने कुछ डोमिनेट नहीं किया ऑस्ट्रेलिया जाके, और हम आखिरी 14 में थे, घर में से 2 ही वनडे जीते हुए हैं, और यही पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एक तशवीश का बायस होगा। कुराम के मैं जनाब अपने गेस्ट का मैं तारुफ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में कमर अहमद साहब, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और टेलीफोन लाइन पर हमें शाहिद आशमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी कुराम में खुश आमदीद कहते हैं। कमर भाई, आपसे शुरुआत, 203 रन जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाएंगे तो जीत का चांस बहुत कम रह जाता है, लेकिन ऐसा मौका आ गया था कमर भाई जब 55 रन थे, 4 विकेटें थी, पैट कमिंस वहां से मैच पाकिस्तान से छीन के ले गया। ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट जिसको लोगों ने एंजॉय भी किया। देखिए 50 ओवर के खेल में अगर आप पूरे 50 ओवर न खेल सकें और फिर सिर्फ 4 रन औसत के हिसाब से पर ओवर आप रन बनाएं और 200 रन बना सकें तो चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। बट हैविंग सेड दिस, आई कैन से के बहुत ही मुकाबला किया पाकिस्तान के बॉलरों ने और रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया को, मैच जीत भी सकते थे अगर ज़रा सा अभी लकी होते, लेकिन यू नो ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग ऑन देयर ओन होम ग्राउंड और फुल स्ट्रेंथ टीम सर, और फुल स्ट्रेंथ टीम, एंड वंस अगेन पैट कमिंस रेस्क्यू पे आ गया। बिल्कुल, ही सच ए यूजफुल क्रिकेटर एंड ए कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इज अ कैप्टन कूल नाउ, जो वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान है, ऑलरेडी उन्होंने वो अचीव कर लिया जो कोई कैप्टन ड्रीम कर सकता है। कमर भाई के साथ भाई गुफ्तगू जारी रहेगी, शायद आशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शायद भाई, आई थिंक जिन हालात में मुल्तान टेस्ट के बाद दो हम टेस्ट मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना क्लोज मैच होगा, बहुत सारे पॉजिटिव हैं आज के इस मैच में देखने के लिए, लेकिन बस अगर हम जूम आउट करते हैं और एज अ क्रिकेटिंग फैन अगर हम बात करते हैं प्योर, तो वही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हम क्लोज आए लेकिन मैच को फिनिश ना कर सके, बट अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट एंड ग्रेट फाइन शॉट बाय पाकिस्तान फास्ट बॉलर। रिजवान ने सही ये तहिया किया हुआ था कि अपने 4 जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उसी को यूज करना है, क्योंकि ऑल आउट करना था 50 ओवर्स में, अदरवाइज आराम से ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 सिंगल्स निकाल के भी हर ओवर में ये रन कर देने थे। सो स्ट्राइक्स चाहिए थी और स्ट्राइक्स मिली। शाहीन आफरीदी का अच्छा दिन था बॉल के साथ, हारिस रऊफ का आउटस्टैंडिंग दिन था, रन्स वो ज्यादा दे देते हैं, उनको थोड़ी सी अपनी लाइन और लेंथ पे और काम करना है, क्योंकि ऑल आउट विकेट्स लेने के हिसाब से तो मैं समझता हूँ ऐसी सिचुएशन में आप जा सकते हैं, मगर कहीं जहां पे आपको जहां पे रन्स किए और आपको एक डिफेंसिव बॉलर बन के अपने आप को सामने लेके आना है अपनी टीम की खातिर, वहां पे हारिस रऊफ को अभी भी बहुत मेहनत की जरूरत है। मगर इंस्पायर्ड उनका एक स्पेल था जिससे कि पूरी टीम खड़ी हो गई, हैट्रिक पे भी थे वो, सो फ्रॉम नोवेयर पाकिस्तान ने कमबैक किया उनके थ्रू, और प्रॉब्लम्स बल्लेबाजों के साथ रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में, मुश्किल ये कंडीशंस है, अडैप्ट करने में टाइम लगता है, ये नहीं है कि फ्लाइट पकड़ी और सीधे ही मैच में आपकी पेशी हो गई और आप आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस इस तरह से दिखाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को चित कर लेंगे। अपने आप को थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए रिगार्डिंग एक्लिमेटाइजेशन के हिसाब से, आजकल टूर्स इतने ज्यादा टाइटली शेड्यूल्ड हैं कि मौका ही नहीं मिलता।
क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते थे तो 20-20 दिन पहले जाते थे और फिर प्रैक्टिस मैचेस भी खेल के थोड़ा बहुत, उससे क्या होता है कि आप ऑपोजिशन को बेहतर चैलेंज कर सकते हैं, मगर आजकल ये रुझान ही नहीं है। सो पाकिस्तान को जल्दी से अडेप्ट भी करना है, एक्लिमेटाइज भी करना है, तो उस हिसाब से बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस थी। बाल बाल बच गया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि विकेटें भी गिरी और मुतवातिर गिरती रही और फिर कमिंस को एंड में आके ना सिर्फ एज अ बोलिंग लीडर काम करना पड़ा बट एज अ बैटिंग लीडर भी काम करना पड़ा और कामनेस लेके आए इस रनचेज में। तो मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को जरूर धचका लगा होगा क्योंकि ये वॉक इन द पार्क होता है इस तरह का स्कोर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। पाकिस्तान को मसले मसाइल तो रहेंगे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ओपनिंग पेयर जो है उसको चलना ही चलना है, इसलिए कि मिडिल ऑर्डर से अदरवाइज वो प्रेशर नहीं हटा सकेंगे और मिडिल ऑर्डर को फंक्शन करना है एज एग्रेसर्स। तो जब आपकी 2-3 विकेट्स गिर जाती है 20-25 रन पे तो फिर एंकर का रोल में है। बाबर आजम जो है वो 63 रन से उनकी सेंचुरी होते हुए रह गई है और अफसोसनाक बात है, मतलब बाबर की वरना सेंचुरी हो जाती। बाबर के फैंस बहुत ही मेरे से नाराज हैं, वो कहते हैं कि मैं हमेशा से इंटेंशनली बाबर के खिलाफ बोलती हूँ। इमरान मुझे बाबर से क्या मसला होगा और इस टीम में बाबर की परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ज़रा ये माइक पकड़िएगा और ये ज़रा बताइएगा लोगों को। देखिए बाबर से ना हम कुछ लेते हैं ना बाबर हमसे कुछ लेते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ जो दुख और दर्द है वो अपनी इज्जत का है, पाकिस्तान की इज्जत का है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी क्या रिस्पेक्ट है, उसका लेवल क्या है। जब तक बाबर आजम परफॉर्म करता रहे वो आपके भी लाडले रहे, वो हमारे भी लाडले रहे, वो सबके लाडले रहे। जब कोई परफॉर्म नहीं करेगा ना तो वो किसी का लाडला नहीं होगा, वो परफॉर्म करता जाए हम उसे सर आंखों में बिठाते जाएंगे जब वो परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हमें रियलिटी पता है। हाँ ये है कि आपको बाबर की शक्ल से जरूर प्यार हो सकता है, बाबर की परफॉर्मेंस से जरूर प्यार हो सकता है, लेकिन जब बाबर परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर आपको उसको किस तरह से प्यार कर सकते हैं। एक एज ए शख्सियत तो प्यार कर सकते हैं उसको कि वो आपको अच्छा लगता है, उसका खाना पीना उठना बैठना उसका स्टेटस आपको बहुत अच्छा लगता है, पर हम जब बात करते हैं हम प्योर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, पाकिस्तान की हार और जीत पे बात करते हैं और उसी के ऊपर हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर कोई मेरे बगैर उसको क्रिटिसाइज़ करती है, मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ या कोई और क्रिटिसाइज़ करता है तो उसकी सिर्फ लॉजिक ये है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ पाकिस्तान की भी इज्जत का ख्याल करो। नहीं आप भाई हम बहुत बुरे हैं, हम तो हमें क्रिटिसाइज बाबर को नहीं करें, बाबर जी के लिए बहुत सारी तमन्नाएं कि वो सेंचुरी करें। इमरान छोड़ दें बाबर को, मुझे ये बताएं कि ये जो हमने 8 विकेट्स निकाली हैं इसके बावजूद लास्ट में 2 विकेट्स अगर हम निकाल लेते हम मैच जीत सकते थे, हम बहुत क्लोज थे, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हमें लास्ट में विकेट्स निकालने में इतनी दुश्वारी पेश आ गई? नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि अगर बाबर साहब 50 के रन और कर लेते और रिजवान साहब को 50 रन और कर लेते, दोनों सेंचुरियां कर लेते, या जो लाडला आपने खिलाया था जो जीरो पे आउट हुआ है वो 20-25 रन ही कर लेता, या बाकी जो सारे आउट हुए हैं सलमान अली आगा जिनको आपने हर फॉर्मेट में घुसेड दिया है, वो टेस्ट का प्लेयर है आपने उसे वनडे में भी डाल दिया है, ऑस्ट्रेलिया में पता चलेगा ना बैटिंग विकेटों पर तो सारे परफॉर्म कर लेते हैं। बात यह है कि बॉलर्स हमेशा आपको कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं, जब बॉलर कुछ नहीं कर, आज का पूरा मैच मैं बॉलर्स के 40 रन नसीम शाह के, 24 रन शाहीन शाह अफरीदी के, 64 रन हो गए, 64 रन 203 रन में से 64 रन जरा निकालें, जरा कितने रन पीछे बचते हैं, 150 से भी कम रन बनते हैं जनाब। तो 150 से कम रन अगर आपके सुपर डुपर स्टार्स अगर आपके किंग मेकर बनाएंगे तो फिर आप ये ना कहें, ये फिर आपने नहीं कहना, वो होते हैं तो हो जाए, हम ना तो कमेंट्स करने वालों से लेके खाते हैं ना बाबर से लेके खाते हैं, जिसने जितना बुरा कमेंट करना कर दे, लेकिन देखें पाकिस्तान की टीम की बैटिंग बेहतर करनी होगी। अगर आप टेस्ट सीरीज जीते हैं ना तो टेस्ट सीरीज भी आप बैटिंग की परफॉर्मेंस में नहीं जीते, एक दो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हो ही जाती हैं। अच्छा स्पिनर भी नहीं था कोई, देखें एक स्पिनर तो कम से कम कुछ तो होता। देखें ऑस्ट्रेलिया ने अपने 8 बॉलर आजमाए, फास्ट बॉलर भी, स्पिनर्स भी, मैक्सवेल से बॉलिंग करवाई, जैम्पा से बॉलिंग करवाई, अपने रेगुलर लेग स्पिनर से बॉलिंग करवाई, उनको पता था कि पाकिस्तान टीम के जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स में हॉले हैं, लेकिन पाकिस्तान ना पड़ता है मिडिल ऑर्डर को, जैसे रिजवान ने आज अपना 100 पे 5 आउट हो गए, उसके बाद फिर उनको ख्याल करना था कि कहीं बॉल आउट जल्दी से ना हो जाए, वो तो खैर, और नसीम शाह को बहुत ही एक कड़ाकेदार इनिंग्स खेली उन्होंने, 3-4 छक्के भी लगाए, शाहीन अफरीदी का आज बहुत अच्छा दिन था बॉल के साथ भी और बल्ले के साथ भी, और माइजली बॉलिंग स्पेल था उनका, इंस्पायर्ड बॉलिंग स्पेल था जैसे मैंने कहा हारिस रऊफ का, मगर रन जो है वो पाकिस्तान ने ज्यादा किए नहीं है और उसकी बहुत बड़ी वजह यही थे जो कि 100 125 6 विकेटें जो गिर गई।
बाबर आजम ने अच्छी इनिंग्स खेली। देखिये बहुत एक बॉडी ऑफ वर्क उनका जबरदस्त है। मुझे बड़ा सख्त अफसोस होता है क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया पे रिएक्शन देखता हूँ ना कि आउट हुए हैं वो फॉर एग्जाम्पल इस इनिंग्स में, और उसके बाद जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो कि उनके ऊपर लांग तान करके और भाग जाते हैं, ये असल में एक तो अपना कैरेक्टर दिखाते हैं, पाकिस्तान को ज्यादा जरब ठेस पहुंचा रहे हैं आप। क्योंकि अगर कहीं से गलती से आपको एक सुपरस्टार मिल ही गया तो उसकी इज्जत भी करना सीखें। सो ये नहीं हो सकता कि हर मैच में और एक आपको एक सॉफ्ट टारगेट बन जाए कि नहीं जी हमने उन्हीं को लताड़ना है क्योंकि नाम बड़ा है तो इसलिए जो है वो लोग हमें ज्यादा सुनेंगे। सो कोई थोड़ी सी अकल करें और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। बाबर आजम का फॉर्म में होना पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है। आज अच्छी इनिंग्स खेले वो और उम्मीद यही है कि आगे चल के वो इन पिचेस पे जो कि टफ बैटिंग पिचेस हैं पाकिस्तानियों के लिए स्कोर करेंगे। ओवरऑल नंबर पाकिस्तान को बेंता मैं दूंगा। हार तो गए मगर फाइट करके आ रहे हैं और कोई इसमें बुरी बात नहीं होती है कि किसी ने जीतना होता है हारना होता है। मगर रिजवान की कप्तानी अच्छी थी, एक नया लीडर है, एक नई स्पिरिट आई एम श्योर के ड्रेसिंग रूम में होगी। इरफान खान की आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी, एक मुझे अच्छे वो ऑलराउंड क्रिकेटर दिखते हैं क्योंकि जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं वो आसान नंबर नहीं होता, कभी चार्ज करना पड़ता है आपको, कभी आपको रुक के खेलना पड़ता है टीम के हिसाब से आपको। तो बैटिंग ने हमें आज फिर सुवाई काट दिया जी। बिल्कुल देखा जाए तो बॉलिंग हमारी बहुत खुशी हुई हमारी बॉलिंग देख के, जिस तरीके से आज हारिस राउत ने फाइट किया, शहीन शाह अफरीदी ने काफी टाइम के बाद फाइट करते हुए नजर आए, लेकिन फाइटिंग स्कोर नहीं था। थोड़ा सा और अगर हमारी बैटिंग लाइनअप फाइट करती, स्कोर को आगे लेके जाती तो शायद मैच हमारे पास हो जाता। 10-15-20 स्कोर शॉर्ट थे, वो 20-30 स्कोर हो जाते, पाकिस्तान ने इजीली विन कर जाना था। लेकिन दाद देनी पड़ेगी हमारी बॉलिंग लाइनअप को, जिस तरीके से हमारी फास्ट बॉलिंग लाइनअप 2-3 साल के बाद हमें इसी रिदम में इसी फॉर्म में नज़र आई तो हमें बड़ी खुशी हुई आज बॉलिंग देख के। बैटिंग में बाबर आजम की समझ नहीं आती, पता नहीं आज क्या ज़रूरत है इसी तरीके की गैर जिम्मेदाराना शॉटे खेलने की। उसके बाद मोहम्मद रिजवान की हम बात करें, मोहम्मद रिजवान और बाबर के अलावा कोई भी 30+ स्कोर नहीं कर पाए हमारे। नहीं, नसीम शाह 40 सॉरी नसीम शाह देखें यार, एक अभी अभी ऑलराउंडर बने हैं, वो फास्ट बॉलर से ऑलराउंडर बने, वो इतनी कमाल की परफॉर्मेंस कर रहा है। हमारे बैट्समैन को पता नहीं, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, साइम मयूब के समझ नहीं आ रही कर क्या रहे हैं यार, इतने कमाल का टैलेंट है और इतनी गैर जिम्मेदार। कहाँ पे सर कमाल का स्टॉक की, तो एक बॉल उसने सही पहली स्टॉक की पहली बॉल पर तोड़ गया। बिल्कुल स्टॉक का जो जिस तरीके से बॉल पड़ गया वो कंफ्यूज हो गया, स्टॉक के आगे वो ज्यादातर नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, स्टॉक जब आगे आ जाता है साइम मयूब नर्वस हो जाते हैं और वो विकेट ऐसे ही दे जाते हैं जैसे बच्चे आउट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग लाइनअप की दाद देने पड़ेगी, कमाल की बॉलिंग लाइनअप की रही है उनकी बॉलिंग। सर अगर आप बात करें तो हमने कल देखा कि इंडिया का मैच भी है, उसमें भी इंडिया को बैटिंग में रिसवा मिला, आज पाकिस्तान का सेम उसी तरह हुआ, पाकिस्तान भी आज बैटिंग में रह गए, इंडिया बॉलिंग में अपनी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस, दोनों कंट्रीज ने एक ही सेम सिचुएशन आज खड़ी। देखिए हमारे दोनों कंट्रीज का बॉलिंग लाइनअप जो है कि इंडिया ने स्ट्रॉन्ग किया है, हमारे तो शुरू से बॉलिंग ठीक है, हमारी बैटिंग शुरू से मायूस कर रही है और आज फिर मायूस कर दिया। हमने अपना वो रिवायती जो है अंदाज हमने बदला नहीं है बैटिंग के अंदर, चाहे बड़ा प्लेयर हो चाहे छोटा प्लेयर हो, यंग हो सीनियर हो जूनियर हो, सबका एक ही सिचुएशन है, तेरा गम मेरा गम है, वही वाला हिसाब है। वो पाकिस्तान के ना शुरू से हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती थी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर, तो आज भी हमें वो देखने को मिला, हमारी बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आई है। और बॉलिंग लाइनअप नो डाउट इस टाइम हमारी बॉलिंग वर्ल्ड की नंबर वन बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, ये तो वर्ल्ड की। मुझे मिस फील्डिंग आपको भी नजर आई, मिस फील्डिंग की वजह से हमने दो दो तीन तीन चार चार तो हमने एक्स्ट्रा भी हमने वाइटे भी फेंकनी शुरू कर दी, इतना प्रेशर हम भी ले गए। देखें बॉलिंग के अलावा हमने फील्डिंग और बैटिंग मैं समझता हूँ कि बहुत ही गंदी कर दी है। आज फील्डिंग के जो टफ चांसेस बनते थे हमने वो टफ चांसेस वो कैचेस वेल कैचेस पकड़ेंगे आप मैचेस जीतेंगे, ठीक है ये कहावत है, लेकिन आपने कैचेस छोड़ दिए हैं, इतने अच्छे अच्छे चांस आपके हाथ में मिल रहे थे आपने वो कैचेस ड्रॉप किए हैं, 2-3 बड़े बड़े कैचेस, वो इतने कमाल के कैचेस, अगर वो कैचेस कर लेते तो मैच का पॉइंट वो जो रिजल्ट था कुछ और होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान ने कैचेस बड़े छोड़ दिए। यार जिम्बाब्वे से भी बुरी हमारी बैटिंग लाइनअप है, हमारी बैटिंग लाइनअप की समझ नहीं आ रही किस तरीके से बैटिंग लाइनअप, फील्डिंग लाइन भी नहीं अच्छी लगी, फील्डिंग की वजह से तो हमने एक्स्ट्रा स्कोर भी तो देखें, एक्स्ट्रा स्कोर भी हमने बैटिंग करनी पड़ती है, मगर आउटफील्डर कमाल के हैं, बहुत ही आला कैचेस किए उन्होंने और ये अच्छा दिखता है कि एक नया जो बच्चा आया है वो इस तरह की उसमें फुर्तीली हो फील्ड में। बट
वही बात है, पाकिस्तान को अब और ज्यादा कोशिश करनी है, अगला मैच जीत भी सकते हैं, इसलिए कि ये मैच जो है ऑलमोस्ट जीत गए थे। एक आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल कमबैक था पाकिस्तान का बॉल के साथ, पूरे ओवर्स खेल लेते और मुकाबला अच्छा बना सकते थे, फील्डिंग थोड़ी सी बेहतर कर लेते और अच्छा मुकाबला बना सकते थे। मगर ऑस्ट्रेलिया को इसलिए क्रेडिट के उन्होंने जो है कामनेस जो प्रोवाइड की वो की पैट कमिंस ने एज अ बॉलिंग लीडर, एज अ बैट पीछे हुक पे बड़ा जबरदस्त छक्का मारा, क्योंकि बॉटम एंड प्लेयर है ना, उसको कट पुल बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जी कमिंस ने दो आउट करे, जंपा एक्सपेंसिव रहा, 64 रन देके दो आउट करे, नसीम शाह ने और शाहीन शाह आफरीदी ने उसका खूब उस पर अटैक करा, अच्छा लगा। उम्मीद नहीं दी जिस वे में शुरू करा था अपना दोनों ओपनर्स ने, शॉर्ट ने और मैकगर्क ने, ये शायद जल्दी में है, लेकिन उसके बाद इंग्लिश अच्छा खेला, एक कैच ड्रॉप हुआ न्याजी का, बाकी साइम ने कैचेस अच्छे लिए, न्याजी ने अच्छे लिए, इंग्लिश ने पुल बड़े अच्छे मारे जी, क्योंकि बॉटम एंड प्लेयर है ना, ऑस्ट्रेलियन कट पुल तो अच्छा मारते हैं, इसमें तो अच्छा खेल रहा था, उसका भी कैच साइम ने बड़ा अच्छा लिया, 44 करे उसने। एक ये कह सकते हैं कि जो मैच देख रहा था स्पेशली ग्राउंड में, उन्होंने तो बहुत इंजॉय किया होगा। आज तो आपने देखा, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान में मैच हो रहा है, वहाँ पे जो आवाम आई हुई थी, भरपूर आवाम आई हुई थी और बड़े बड़े झंडे उठाए हुए थे, बड़े बड़े तस्वीरें लगाई हुई थी, तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। क्यों हुआ कि आप टेस्ट सीरीज जीते, जीत हर चीज़ छुपाती है, ये तो वो चीज़ थी जो मैंने कहा आपसे हम बात करते हैं। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा जो चीज़ नज़र आई, क्योंकि एक तस्वीर आपको दिखाई है, दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूँ, पाकिस्तान टीम में लेफ्ट हैंडर की कमी महसूस हुई। आज मैंने एक ट्वीट भी करा है कि आकिब मियां चैंपियंस ट्रॉफी तक लेफ्ट हैंडर्स ढूंढने पड़ेंगे या डालने पड़ेंगे, बड़े नाम है, सऊद, शान, हसीबुल्ला, फ़खर जमान, सही है ना, और उमर अमीन, ये वो लेफ्ट हैंडर्स हैं जो जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। एक नाम मैं दे रहा हूँ आज आपको, और उस बच्चे को भी मजाक कप में भी देखा था, मोहम्मद ताहा, उसमें दम है बड़ी क्रिकेट का, अगर उसको सही प्रॉपर गाइडेंस के साथ चांस दिया जाए ना, उसमें दम है काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक करने का, कहाँ से खेल रहा है मुझे नहीं पता, मैंने चैंपियंस कप में उसको देखा है, जिसको आप लोग मैं मजाक कप कहता हूँ, उस प्लेयर में जान है, दम है, लेकिन अभी कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे की भी टीम अनाउंस हो चुकी है, हसीबुल्ला है, उमर अमीन का नाम नहीं है और चांद का नाम नहीं है, सऊद का नाम नहीं है, ये वो लड़के हैं जिनकी ज़रूरत है पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर में, जुमला क्या कह रहा हूँ, मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट राइट कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए आप नवाज को भी दोबारा ट्राई कर सकते हैं, आया वो खेल रहा या नहीं खेल रहा ये तो मुझे नहीं पता। अब आ जाता हूँ जी, जो सबसे बड़ी बात, 172 डॉट्स बॉल ज़्यादा खेली, माना टॉस उन्होंने जीता, लेकिन थोड़ा सा सिंगल डबल लेने में हम प्रॉब्लम कर रहे थे, डॉट बॉल ज़्यादा खेल रहे थे, जो काश पाकिस्तान के पास 250 के करीब स्कोर होता तो पाकिस्तान ने यह गेम बना दिया था। बट वेल डन टू हारिस रऊफ, ही इज कमिंग आफ्टर अ ब्रेक, ही वाज लुकिंग अफ्रेश, ही वाज बोलिंग विद अ लॉट ऑफ पेस, विद अ लॉट ऑफ एग्रेशन, विद अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आंखें दिखा के ही खेलना पड़ता है, वरना तो कमेंटेटर्स आपका मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह सुबह से मजाक उड़ाया जा रहा है, कामरान गुलाम क्या खूबसूरत डिलीवरी थी पैट कमिंस की यार, मेरे तो जहन सी नहीं निकल रही कि एक बॉल पहले कामरान गुलाम के अंदर आ गई स्टीव स्मिथ की रूह। चलो अच्छी बात है, एग्रेशन अग्रेसिव अप्रोच वो भी दिखा रहा था, वो भी डरा नहीं, लेकिन फिर दूसरा बॉल जो उसको मारा है यार, क्या शॉट डिलीवरी, सातवें स्टंप के ऊपर वो बॉल पड़ी है, बॉल पड़ के वो अंदर आई है, इट वॉज लिटरली अनप्लेएबल काइंड ऑफ अ डिलीवरी, व्हाट अ डिलीवरी इट वॉज। तो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, हालांकि बैटिंग लाइनअप बड़ी थिन थी, यहाँ 6 विकेटे गिरने के बाद सारा मामला शॉन एबट और एरन हार्डी पे आ गया था, लेकिन उसके बावजूद मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने पेशेंस रखा, एक्सपीरियंस बढ़ा इनके पास, दे नेवर शोड एनी काइंड ऑफ नर्व्स और आराम से ये चेज मुकम्मल कर ली, लेकिन रिजल्ट तो वही हुआ जो हमको एक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में ये ओडीआई जीतेगा। लेकिन इसमें जो सबसे इंप्रेसिव बात थी वो थी इरफान खान नियाजी,
यार क्या फील्डर है यार, कमाल का एटीट्यूड है यार, क्या तीन खूबसूरत कैचेस पकड़े, वो एक छक्के को वापस वो फील्ड के अंदर उसने थ्रो इन किया, हालांकि एक बहुत ही मुश्किल उसका स्लिप में कैच ड्रॉप भी हुआ, लेकिन यार व्हाट एन एफर्ट फ्रॉम दिस यंग बॉय यार। मतलब आज उसका डेब्यू था, बैटिंग में भी जिस तरह उसने पुल शॉट्स खेले, हालांकि बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन कभी कभार ना आपको दिख जाती है झलक के हाँ भाई बंदों में दम है, इस लड़के में बड़ा दम है यार, क्या फील्डिंग की है यार, बैटिंग तो साइड में करें लेकिन जो फील्डिंग की एफर्ट थी ना, दैट वाज सो ट्रेमेंडस, दैट वाज सो इलेक्ट्रिफाइंग, इट वाज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की बात करूं, अकलमंद कप्तान यही होता है कि जब आपकी टीम कम रन्स बनाए, 204 रन्स बनाए, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो, चार फास्ट बॉलर आप खिला रहे हो और जो आपका फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन है वो आपके पार्ट टाइमर्स हैं, ठीक है आपके पास तीन पार्ट टाइमर्स हैं, आपके पास कामरान गुलाम है, साइम अयूब है,